दोस्तों दिवाली पर आप कोई ना कोई मिठाई तो जरूर बनाते होंगे, तो क्यों ना इस बार ये स्पॉन्जी राजभोग बनाए जाए। रिजल्ट आपके सामने ही है कि कितना बढ़िया स्पॉन्ज आया है इनमें। बस जितने भी टिप्स और ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में दिए ना, उन सभी को फॉलो करके आप राजभोग बनाइएगा तो आपके भी इतने ही बेहतरीन राजभोग बनेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल कुकिंग में, और देख लेते हैं कि इन्हें हमने कैसे बनाया। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये लो फैट काउ मिल्क लिया है। सरस वाला जो ब्लू पैकेट वाला दूध आता है ना, आप उससे भी रसगुल्ले बना सकते हैं और राजभोग बना सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए, ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है जिसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। दूध गर्म हो रहा है तब तक हम विनेगर वाला पानी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, करीब 3-4 चम्मच मैंने विनेगर लिया है और 3-4 चम्मच ही मैं इसमें डालूंगी पानी। दूध जैसे ही उबल जाएगा हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसके बाद में दूध का छेना तैयार करेंगे। तो दूध का छेना किस तरह से तैयार करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने बोला है कि वीडियो प्लीज आप पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हर स्टेप इंपॉर्टेंट है और सभी स्टेप फॉलो करेंगे तो आप बेहतरीन राजभोग बना पाएंगे। दूध उबल चुका है, फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा विनेगर वाला पानी डालूंगी। बैचेस में डालना है हमें, पूरा पानी एक साथ नहीं डालना है। ये देखिए, बस इस तरह से थोड़ा सा डाल दिया है, थोड़ा चला देते हैं इसे। इसके बाद थोड़ी देर रुक करके हम फिर से ये विनेगर वाला पानी डालेंगे। तो इस तरह करके 3-4 बार में आप ये विनेगर वाला पानी ऐड कीजिएगा। और उसके बाद भी आपको लगता है कि दूध फटने में नहीं आया है तो एक बार आप गैस को ऑन कीजिएगा और जैसे ही दूध फटने लग जाए गैस को ऑफ कर दीजिएगा। तो इससे बहुत ही सॉफ्ट छेना तैयार होगा और जितना सॉफ्ट छेना तैयार होगा रसगुल्ले राजभोग उतने ही बेहतरीन बनेंगे। तो देखिए, दूध नहीं फटा था तो मैंने गैस को ऑन किया है एक बार, और इसके बाद में जैसे ही दूध फटना स्टार्ट हुआ मैंने गैस को बंद कर दिया। तो देखिए, दूध फटना स्टार्ट हो गया, बस गैस को बंद कर देते हैं और इसके बाद में हम इस छेने को छान लेंगे। तो कोई भी मलमल का कपड़ा ले लीजिए, कोई दुपट्टा ले लीजिए या फिर इस तरह के किचन टॉवल भी आप ले सकते हैं। छान लेते हैं और छानने के बाद में हमें इस पानी को फेंकना नहीं है। ये पानी बहुत ही हेल्दी होता है तो आप इसे दाल में यूज़ कर सकते हैं, आटा गूंदने में यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी होती है उसमें आप इस पानी को यूज़ कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी पानी होता है। तो इसे हम रखते हैं साइड में और इसके बाद में ये जो छेना है इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जितना भी विनेगर गया होगा ना वो पूरा विनेगर निकल जाए। इसमें बिल्कुल भी खट्टापन नहीं रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मैं इसे धो रही हूँ। पूरा विनेगर निकाल लेना है तभी बहुत बढ़िया राजभोग बनेंगे। अच्छे से धोने के बाद में हम इसे निचोड़ लेंगे और तुरंत ही इसके राजभोग बनाएंगे, हम इस छेने को रखेंगे नहीं। आप चाहें तो 5-7 मिनट के लिए रख सकते हैं लेकिन उसे ज़्यादा देर के लिए मत रखिएगा। तो ये छेने का पूरा पानी मैंने निकाल दिया है और बस तुरंत ही मैं इसे निकाल रही हूँ एक प्लेट में। तो देखिए, ये मैंने छेने को प्लेट में निकाल लिया है और अब इसे हमें मसल मसल करके बिल्कुल चिकना करना है। और आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें, ये देखिए। अगर पानी होता है तो भी रसगुल्ले अच्छे नहीं बनते। पानी पूरा निकाल देना है और हैंड टू हैंड ही इसे इस तरह से मसलना स्टार्ट करना है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसे हथेली की सहायता से मसल रही हूँ, बस इसी तरह से आपको इसे चिकना कर लेना है। रसगुल्ले और राजभोग वगैरह बनाने में जितनी भी मेहनत लगती है ना वो बस इसी समय पर लगती है, इसके बाद में कोई भी मेहनत का काम नहीं है। करीब 5 मिनट हो चुके हैं और मैं ये राजभोग बनाने में कोई भी मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ सिर्फ 1 चम्मच चीनी और फिर से करीब 4-5 मिनट के लिए हम इस तरह से मसल लेते हैं। तो इन राजभोग को आप व्रत में भी खा सकते हैं क्योंकि हमने इसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं किया है और बहुत ही बेहतरीन राजभोग बनते हैं। जितने भी टिप्स मैं इस वीडियो में दे रही हूँ ना, उन सभी टिप्स को फॉलो करके अगर आप राजभोग बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन राजभोग बनेंगे और आप हर फेस्टिवल पर इन्हें ज़रूर बनाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो ये देखिए, करीब 4-5 मिनट और हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर, तो येलो फूड कलर डाल रही हूँ मैं। फिर से इसे थोड़ा सा मसल लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि राजभोग का जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। पहले मैं आपको सिंपल राजभोग बनाना बता रही हूँ, मैं इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ।
तो ये देखिए, फिर से मैंने एक दो मिनट के लिए इसे मसल लिया था। और अब हम इसकी इक्वल साइज़ की बोल्स बनाएंगे। तो बोल्स हमें कितनी बड़ी बनानी है, जैसे मार्केट में रसगुल्ले मिलते हैं ना छोटे वाले, उस साइज़ के हम बोल्स बनाएंगे, क्योंकि राजभोग का जो साइज़ है वो रसगुल्लों से जस्ट डबल होता है। इसके बाद में हम इस तरह से मसलते हुए इसके बोल्स तैयार करेंगे। पहले हम इसे हाथों से अच्छे से मसलेंगे और उसके बाद में इसे बॉल की शेप देंगे। ये देखिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा, और इसी तरह की आसान टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये देखिए, रसगुल्लों के साइज़ की हमने बॉल्स तैयार कर ली हैं। अब हम ले लेते हैं कढ़ाई या भगोना, जिसमें भी आप ये राजभोग बनाना चाहें। तो मैंने ली है कढ़ाई और इसमें एक कटोरी मैंने डाली है चीनी और चार कटोरी करीब मैं यहाँ डाल रही हूँ पानी। चार की जगह पर आप 4.5 कटोरी पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा। गैस को ऑन कर देते हैं और इसे करीब हम एक दो मिनट के लिए अच्छे से उबलने देंगे, जब तक कि इसमें अच्छे से उबाला ना आए। राजभोग येलो कलर के होते हैं तो हम चाशनी में भी थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, ताकि जो राजभोग है उन पर अच्छे से कलर आ जाए। मिक्स कर देते हैं और एक दो मिनट के लिए उबलने देते हैं। तो इसके लिए हम इसे ढक देंगे लेट से और 2-3 मिनट के बाद में ये देखिए कितना बढ़िया उबाल आ रहा है। बस अब जहाँ पर उबाल आ रहा है वहीं पर हम ये एक एक बोल उठा करके इस तरह से डाल देंगे। फ्लेम हाई ही रखनी है, लो नहीं करनी है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उबाल कंटिन्यू बने रहना चाहिए इसमें। फिर से ढक देते हैं और करीब 4-5 मिनट के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए अपने साइज से कितने डबल हो चुके हैं ये। एक बार इस तरह से घुमा देंगे और फिर से हम इन्हें ढक देंगे। तो करीब 14-15 मिनट के लिए हम ये राजभोग को अच्छे से उबलने देंगे। और अगर आपको लगता है कि इसमें पानी थोड़ा कम हो रहा है तो आप उबलता हुआ पानी साइडों से थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दीजिएगा। करीब 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए चाशनी कितनी कम हो चुकी है। अब अगर आपके पास में पहले से कोई चाशनी रखी है तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप राजभोग को निकाल करके ठंडे पानी में डाल दीजिए और चाशनी को तुरंत ठंडी कर लीजिए। और जब चाशनी ठंडी हो जाए तो उसमें आप ये राजभोग को डाल दीजिए। तो ये देखिए, मेरे पास ऑलरेडी ये चाशनी रखी हुई थी, क्योंकि दिवाली का सीज़न है और मिठाइयों की रेसिपीज़ मैं तैयार कर रही हूँ। तो इस ठंडी चाशनी में मैं ये राजभोग निकाल करके डाल रही हूँ। तो बस अब आप इसे इसी चाशनी में रहने दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद इसे फ्रिज में ठंडा करके खाइएगा। तो ये देखिए कितने बढ़िया स्पॉन्जी राजभोग बन करके तैयार हुए। इस दिवाली ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू।